Hi everyone, thank you for tuning in. Welcome back. I know I haven't uploaded any video of late, and the reason is this. My best friend actually got married and I was pretty occupied with the wedding celebrations. I also wanted to share with you a hairstyle that I tried there and everybody loved it. I also enjoyed it. I thought to share with you over here. So come on, let's do it. But before that, I would like to request, if you like the content of this channel and the work that I'm doing, please don't forget to like and subscribe and hit the bell icon. So without further ado, let's start. The hairstyle that I'm going to do is called the headband braid. And ye hairstyle sare hi attires ke saath bahut acha lagta hai, be it western or be it ethnic. You'll see kaise it will glam up your entire look. Let's start. So I'm going to divide my hair into two sections. And what I'm going to do is I am taking a few strands from here, like around itna, yahan se. Let me keep this hair back so that confusion na ho. And similarly, I'm going to do the same step over this side, yahan se. You have to take some hair from behind your ears and separate them. The braid that we are going to make should not be too thick, should not be too thin. It should be medium. So I have taken this side like this and this side like this. Okay, when your hair sections are ready, to uske baad ek cheez hame bahut dhyan se isko dhyan rakhna hai ki isko hum upar karke aise ek baar aap check kar lo ki aapke easily comfortably sare baal aise aa rahe hain, kyunki agar aap isko check nahi karoge aur seedha braid banane lag jaoge तो कई बार क्या होता है, कुछ हेयर होते हैं जो बीच में अटकते हैं, जो कि आपको अनकंफर्टेबल सी फीलिंग दे सकते हैं. व्हेन, जैसे कि ये, इसको अगर मैं ऐसे कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को यहाँ पे थोड़ा खिंच रहा था, तो मैं इसको अपनी ब्रेड में नहीं लूंगी. तो लेट मी जस्ट पुट इट बैक एंड मिक्स इट विद द अदर हेयर. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माई ब्रेड. आई एम मेकिंग अ सिंपल ब्रेड. जो हम थ्री स्ट्रैंड ब्रेड होती है, हम वो नॉर्मल वाली ब्रेड बनाएंगे. एंड let me start. थोड़ा सा ध्यान देना कि आपके पीछे में जो हमने बाल रखे हुए हैं वो इस ब्रेड के अंदर नहीं आए. इजीली ये ब्रेड बन जाए without taking the hair from the back. इसको पूरा नीचे तक ले लेंगे. मैंने ये हेयर स्टाइल एक एथनिक अटायर के साथ किया था और बहुत अच्छा लग रहा था. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट ऑन एनी फेस्टिवल, या अगर आपको किसी की वेडिंग में जाना है, या आप इवन वेस्टर्न वेयर के साथ भी इसको, लॉन्ग कोट्स, और विंटर्स चल रही हैं, लॉन्ग कोट्स के साथ करेंगे बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा. Okay, so now my braid is ready. I am going to secure it with the elastic. You can take any black color or a transparent elastic and secure the braid. Same thing I am going to be doing on the other side as well. एक बार हम चेक करेंगे ऊपर करके बाल कहीं अटक तो नहीं रहे, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए. नो, आई थिंक इट्स फाइन. तो मैं अपनी ब्रेड स्टार्ट कर रही हूँ. नॉर्मल सिंपल थ्री स्ट्रैंड ब्रेड. सी, बीच में मेरे ये वाले हेयर बीच में अटक रहे थे. इट्स बेटर मैं इसी पॉइंट पे इसको पीछे कर दूं. ये ब्रेड में आ गए तो फिर जब हम ब्रेड अपनी ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएंगे साथ में, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा. यस, नाउ इट्स गोइंग फाइन. कोई बीच में हेयर नहीं आ रहा और मेरी ब्रेड भी बनने वाली है. सेम थिंग, सिक्योर इट. Now when both the braids are ready, एक चीज करना मत भूलिए, is loosen the braid. थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा कर दो ताकि थोड़ी bigger और thicker look
आए और वो दूर से भी दिखेगी। अगर आप पतली ब्रेड को ही ऊपर ले जाएंगे तो वो दूर से नहीं दिखेगी, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको खोल देते हैं। सेम ऑन द अदर साइड। ऑल्सो इफ यू आर वेयरिंग एनी आउटफिट और आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपका हेयर बैंड लगाने का मन है और आपको समझ में नहीं आ रहा हम कौन सा हेयर बैंड लगाएं, या हमारे पास वो मैचिंग हेयर बैंड नहीं है, देन दिस वर्क्स द बेस्ट स्पेशली फॉर मी। जब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा हेयर बैंड लगाऊं, या मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कलर अच्छा लगेगा उसके साथ या नहीं लगेगा, या आई वॉन्ट टू गो सिंपल एंड प्लेन, देन दिस ऑलवेज वर्क्स फॉर मी। यस, थोड़ा सा इस तरफ और। आई थिंक अब ये प्रिटी फुलर और बिगर लग रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यू कैन टेक ईदर ऑफ द ब्रेड, कोई भी ले सकते हो। पहले ऐसा कुछ नहीं है कि राइट साइड का लेना है या लेफ्ट साइड का लेना है। इसको मैं ऐसे ऊपर लेकर जा रही हूँ। ओके, बिफोर दैट ये वाले बालों को आप डायरेक्ट ऐसे करके भी लेकर जा सकते हो, बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक माई हेयर और मैं बस पीछे लेकर जा रही हूँ इसको। नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट टाइंग एनी वेयर, बस ऐसे करके मैंने अपने हेयर को ऐसे पीछे रख दिया सो दैट ये पार्टीशन जो है वो बंद हो जाए। आई डोंट लाइक इट, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। इफ यू विश टू डू इट आप कर सकते हो। थोड़ा सा अपने बालों को सेट कर लो एंड टेक दिस ब्रेड लाइक दिस। और इसको पीछे की तरफ अंदर हम एक पिन से पिन लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है कि हम उसी ब्रेड को ही ना बांधते, नहीं तो वो ऊपर करते समय ब्रेड आएगी नहीं हाथों में। ओके, अंदर की तरफ मैंने पिन लगा दी है, वो दिखेगा नहीं। और ये ब्रेड यहां से अगेन इसको मैं यहां पे पिन कर रही हूं। अब आप अपने बाल सेट कर लो। आप इसको लूजन भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है। इवन कि यहां से भी अभी मैं थोड़े से स्ट्रैंड और खींच दूंगी ताकि ये और अच्छा लगे। एंड माय हेड बैंड ब्रेड इज रेडी, यू कैन हैव अ क्लोजर लुक हाउ इट लुक्स। वन अदर ऑप्शन इज ऑल्सो यू कैन टाई योर हेयर इन टू अ बन and it can also look like a Dutch braid. I am not tying it for some reason right now because I like my hair to be open. But if you don't like open hair या आपके hair इतने long नहीं है, you can make this kind of a braid and then make a bun. I'm just making a very simple bun right now just to give you a look कि वो कैसा लगेगा, and secure them properly. So this can be the look. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ, मामाज के साथ, आंट्स के साथ या सिस्टर्स के साथ जरूर शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये ब्रेड कैसी लगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। बाय, टिल देन कीप ब्लशिंग।